हेलो फ्रेंड, मैं रही मिश्रा, आरपीएम चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एप्रिलिया स्ट्रॉ 125 सीसी येलो कलर में। तो आइए उसके बारे में जानते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो भी मेरे व्यूवर हैं, प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट करके बताएं कि वीडियो उनको कैसा लगता है। तो आइए जानते हैं एप्रिलिया स्ट्रॉ 125 सीसी येलो कलर के बारे में। यह है अप्रिलिया स्ट्रॉम 125 सीसी मैट येलो कलर, बहुत ही खूबसूरत कलर है। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा मैं आपको दिखाता हूँ। फ्रंट में आपको 12 इंच का टायर मिलेगा, ट्यूबलेस टायर। टायर इसका काफ़ी हैवी दिया हुआ है, जो पहले वाले एसआर 125 में आता था उससे ये टायर बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में भी, और इसका ग्रिप भी बहुत अच्छा है और चौड़ाई भी ज़्यादा है इसका। ट्यूबलेस टायर है। फ्रंट में आपको ड्रम ब्रेक मिलेगा, पहले वाले एसआर 125 में आपको डिस्क ब्रेक आता था, इसमें ड्रम ब्रेक है, सीवीएस ब्रेक है, कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम। आप टायर साइज यहाँ पे देख सकते हैं, 120/80 12 इंच का है। यहाँ पे रहा, और अगर इसके सॉकर के बारे में बात करें तो इसका सॉकर बहुत ही कंफर्टेबल है। ये बाइक सॉकर है, पूरा बाइक डिजाइन में है, दोनों साइड में आपको बाइक सॉकर मिलेगा इस तरह से। और यहाँ पे आपको स्ट्रॉम का ये स्टिकर किया हुआ मिलेगा, इसका ग्राफिक बहुत अच्छा लग रहा है। नीचे में भी आपको यहाँ पे एप्रिलिया का स्टिकर मिलेगा। लेग स्पेस थोड़ा सा कम है लेकिन कंफर्टेबल है, यहाँ पे आपका पैर बहुत अच्छे से आ जाएगा। पीछे में भी स्ट्रॉम ने अपना स्टिकर यहाँ पे दिया हुआ है, और इस जगह पे नीचे में आप देख सकते हैं 3 बल्ब टच है, मतलब ये गाड़ी 3 बल्ब है। यहाँ पे कागज के स्टिकर से एसआर 125 स्ट्रॉम लिखा हुआ है, जो कि ये स्ट्रॉम है तो ये एसआर नहीं है, ये 125 स्ट्रॉम है, सीबीएस मॉडल। बैक में आपको सिंगल सॉकर मिलेगा। पीछे का जो टायर है ये भी आपको 12 इंच का है, और ये भी सेम टू सेम जैसे आपको फ्रंट में मिल रहा है वैसे ही आपको पीछे भी है। ट्यूबलेस टायर है, यहाँ पे देख सकते हैं। आपको आगे मिल रहा था 120, यहाँ पे आपको मिलेगा 130/80/12, मतलब उससे थोड़ा सा और हैवी है पीछे का टायर। इस जगह पे आपको किक है, अगर किक से स्टार्ट करना चाहते तो किक भी दिया हुआ है। यहाँ पे इंजन पे आपको एप्रिलिया का ब्रांडिंग यहाँ मिल जाएगा इस जगह पे। इस गाड़ी में सेंट्रलाइज इंजन है एकदम बीच में, आप यहाँ से देख सकते हैं। BS4 गाड़ी है ये, इसमें भी BS6 नहीं आया है। और ये इसका बैक डिज़ाइन आपको दिखाता हूँ। इसमें सीट काफ़ी लंबा दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जहाँ पे पीछे एक सैडल बार लगा हुआ है कंपनी के तरफ से, जो कि पीछे जो बैठेंगे उनको बैक सपोर्ट मिलेगा, ये बहुत ही अच्छा है। क्योंकि एसआर 150 जो आता है उसमें जो डिज़ाइन है वो अलग है और इसका अलग है। सीट के अंदर आपको सब कुछ सेम है, यहाँ पे फ्यूल का दिया हुआ है 7 लीटर, जगह बैटरी है, ये कवर हो जाएगा इस तरह से, ये कवर हो जाएगा। डिक्की का स्पेस आपको हाफ हेलमेट आ जाएगा इसमें अच्छे से। इंजन सेंट्रलाइज है, बस ये 2 लॉक निकलेगा यहाँ से, पूरा इंजन आप यहाँ से सर्विसिंग करा सकते हैं। इसमें आपको मोबाइल चार्जिंग भी है, बस आपको यूएसबी लेना होगा, यूएसबी केबल जो आता है, और यहाँ से कनेक्ट करके आप मोबाइल चार्ज भी कर सकते हैं। यहाँ फ्रंट में आपको सामान कैरी करने के लिए यहाँ पे एक हुक है, नीचे में यहाँ चेसिस संभव है गाड़ी का, ये लॉक, यहाँ पे आपको चॉक मिलेगा, एनालॉग मीटर है गाड़ी में, पूरा का पूरा एनालॉग है, डिजिटल नहीं है।
साइड में अपर डिपर, और हाँ पासिंग भी यहीं पे है, ये आप देख सकते हैं, ये इंडिकेटर हो गया या हॉर्न हो गया। ये सेल्फ का स्विच है। अब मैं आपको साइड से दिखाता हूँ, राइट साइड से।